बोल नहीं पाते हैं और समाज में लोग उनको दबाव डालते हैं कि जो नहीं तुमको तीन दिन भोज करना ही पड़ेगा, तो कहीं से ना कहीं से हमको इस कदम को ऐतिहासिक कदम। पुस्तकालय का निर्माण किया गया, पुस्तकालय यहाँ रखा गया, आज ये हमारे समाज के लिए एक बहुत मैं एक अच्छी एम्बुलेंस इस हॉस्पिटल को उपलब्ध होगा। 31 मार्च से पहले मैं एक अच्छा एम्बुलेंस यहाँ दूंगा। समझता हूँ मेरी माता की आत्मा के शांति के लिए इससे बड़ा कदम दूसरा कोई नहीं हो सकता। मैंने माता जी को दाह संस्कार के दिन लगभग 5,000 व्यक्ति आए थे। ये मृत्यु भोज के नाम पर आज भी लाखों रुपया के कर्ज के तले दबे रहते हैं। बनने के लिए जा रहे और साक्षी बन रहे जी। आज कोड़िया पट्टी में जिन महान आत्मा के नाम पर, लाखों देवी के नाम पर जो इस लाइब्रेरी की स्थापना हुई है, आप जानते हैं पुस्तकालय शिक्षा का एक बड़ा केंद्र है और पुस्तकालय का गठन अपने देश में ब्रिटिश हुकूमत के वक्त में ही हुआ था और उसकी बड़ी अवस्था आज खराब है। आज मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, बिहार के 6 जिलों में कोई भी कहीं भी एक भी पुस्तकालय नहीं है। जो पुस्तकालय है 540 उसकी भी हालत अच्छी नहीं है, डेस्क में कोई सुविधा नहीं है। लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं एक बड़े मिशन से, जिस मिशन से इस काम को शुरू किया गया है, कोड़िया पट्टी और इस इलाका का यह एक शिक्षा का केंद्र हो, मजबूती से इसकी कार्रवाई आगे बढ़े, अच्छे किताब हों। आप चले जाइए कहीं भी, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर अब कोई पत्रिका नहीं। आज जो इस पत्रिका का आप देख रहे हैं वो पतनशील पत्रिका है, जो सोशल सामाजिक रूप से लोगों को जो एक मजबूत दिशा देने का जो काम पत्रिका अखबार करते थे, ये आप मिल नहीं पा रहा है। अब देखिए प्रेमचंद्र का किताब बहुत कम जगह मिलेगा, लेकिन यहाँ बहुत सारे किताब, कल मैं परसों पटना में था तो इनकी समझ ऐसी थी, ये एक अच्छा वातावरण प्रेरित करने वाला किताब का शो कलेक्शन हो और इस इलाके के लोग बौद्धिक रूप से मजबूत हों। सरकार की जहाँ तक नीति है, आप इन बातों को समझिए, शिक्षा पर जो खर्चा है बजट का जो हिस्सा होना चाहिए इस बार मात्र 3%। दूसरा हिस्सा है मृत्यु भोज का। हम समझते हैं जो बहादुरी से इन्होंने इस चैलेंज को स्वीकार किया, और कहाँ है स्वर्ग, कहाँ है नर्क, जरा बताइए हमको, वेयर गॉड इज, कौन इसको, कहाँ इस श्राद्ध से किसको मोक्ष होगा। मोक्ष तो काम से होता है, भोज से नहीं होगा। मोक्ष होता है अपने क्रिया से, लोगों को याद किया जाता है उसके कर्म से, क्रिया से, उसके एक्शन से, समाज के प्रति उसके कंट्रीब्यूशन से। आप इन बात को समझिए, थोड़ा बहुत हो सकता है राजेश जी विरोध हो, लेकिन बड़ा हिस्सा आज भी समाज में इस कुरीति से बचना चाहता है, अंडर प्रेशर वो काम करता है। अब पूरा लोग जुट जाएगा, पूरा समाज में कहेगा जी इनको तो स्वर्ग जाना है, स्वर्ग है कहाँ भाई, हम लोग तो नहीं देखा है। समाज में आज भी जिस रूप से आपको डाइन मिल जाएगा, क्या माने इसका, कहाँ है कोई डाइन है क्या। अब मेडिकल साइंस यहाँ पहुँच गया है, इतना डेवलप्ड कर गया, तो ये तमाम हैं जिसको देखिए। और हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं तमाम प्रेस वालों से, यहाँ के लोगों से, जो आज जिस कठिन परिस्थिति में हम लोग गुजर रहे हैं, जिस सांप्रदायिक विभाजन में हम गुजर रहे हैं, जिस तरह से देश के अंदर में पूरे रूप से देश की आर्थिक हालात जिस रूप से बिगड़ रही है, पूरे देश के पैमाने पर आपने पूंजीवाद सुना होगा, हम लोग भी पूंजीवाद के खिलाफ रहे हैं, लेकिन बहुत नियर टू अभी भारत में जो व्यवस्था चल रही है वो क्रोनो कैपिटलिज्म है। क्रोनो कैपिटलिज्म का माने है देश की संपत्ति पूंजीपत को हैंड ओवर कर दो और पूंजीपत से पैसा लेकर के पार्टी चलाओ और उसके नीति से देश चलाओ, यही है क्रोनो कैपिटलिज्म। और इसलिए आपने देखा जो 80,000 करोड़ रुपया LIC का एक परिवार को दे दिया गया,
40% स्टेट बैंक का रुपया मात्र, हम दो बातों की ओर आपका ध्यान खींचना चाहते हैं। उसके इसको हैंड ओवर कर दिया, आज उसका आधा हो गया शेयर। समूचा देश एक बार जब स्टेट बैंक और LIC गिरेगा उस दिन समूचा देश मायूस होगा, और यह काम इस देश के शासक वर्ग ने किया है। इस परिस्थिति में एक बड़े संघर्ष की ज़रूरत है, बड़े आंदोलन की ज़रूरत है। इन्हीं बातों के साथ आपके इस लाइब्रेरी का हम विधिवत उद्घाटन करते हैं और आपके समक्ष कुछ ठोस बातें हैं जिसको। और ये लाखों देवी ये सिर्फ राजेश जी की ही माता जी नहीं थी, बल्कि मैं उनको काफ़ी दिनों से जानती हूँ, और जो भी सामाजिक अत्याचार के खिलाफ जहाँ कहीं भी आवाज़ उठती थी वो सभी महिलाओं को अपने मोहल्ले से लेकर के जाती थी, और वो हमारी महिला समिति की सदस्य भी पहले पूर्व में रह चुकी। और इसीलिए मुझे बहुत ये इच्छा थी कि अगर इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है तो मैं भी उसमें जाऊं। अभी जिस तरह का ऐतिहासिक कदम राजेश जी के द्वारा उठाया गया, ये सामाजिक परिवर्तन के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि ये मृत्यु भोज के नाम पर आज भी लाखों रुपया के कर्ज के तले दबे रहते हैं लोग, कुछ बोल नहीं पाते हैं, और समाज में लोग उनको दबाव डालते हैं कि जो नहीं तुमको 3 दिन भोज करना ही पड़ेगा। तो कहीं से ना कहीं से हमको इस कदम को, ऐतिहासिक कदम को उठाना पड़ेगा, जो राजेश जी ने उठाया। और ये जो पुस्तकालय है, मैं समझती हूँ कि इस इलाके के लिए एक रोशनी का काम करेगा, और यह पुस्तकालय एक साधारण पुस्तकालय नहीं। हमारे राज सचिव ने कहा कि कोई पत्रिका आज पढ़ने लायक नहीं है, आज एक पत्रिका है जो साप्ताहिक आता है दिल्ली से, लोक लहर, उसे जरूर यहाँ मंगाएंगे कम से कम 5 कॉपी। और मैं समझती हूँ कि इसको आज नौजवानों के अंदर जो विष पैदा किया जाता है, जिस तरह से विभत्स साहित्य आज पढ़ाया जाता है, उससे अलग जो प्रेमचंद्र का है, राहुल संकृत्यान का है, शिव वर्मा का है, श्री सव्यसाची का है, मार्क्स का है, इस तरह का जो प्रोग्रेसिव ही नहीं बल्कि समाज को परिवर्तन के दिशा में ले जाने वाला है, आज जिस तरह की व्यवस्था, जिस तरह का समाज, जिस तरह की बातें हो रही है, दहेज का हो, मृत्यु भोज का हो, जो जिस तरह की जो आज डायन प्रथा है, उन तमाम चीज़ों के खिलाफ यह एक केंद्र के रूप में यहाँ ये विकसित होगा आपका कोरियापट्टी, और पूरे सुपौल ही नहीं अन्य इलाकों में भी, कोसी के इलाके में एक रोशनी का काम करेगा। और मैं समझती हूँ कि इस इलाके में इस जगह ही महिलाओं के साथ बहुत बड़ा शोषण हुआ था, अभी भी हो रहा है, जो बहुत सारे लोग जानते हैं। स्वर्गीय कॉमरेड बलराम सिंह यादव के द्वारा बहुत बड़ा कदम उठाया गया हमारी पार्टी के द्वारा, CPIM के द्वारा, जिसमें राजेश जी का भी बहुत बड़ी भूमिका रही। मैं समझती हूँ इस केंद्र को भी महिला शोषण के खिलाफ के रूप में भी हम विकसित करेंगे। मैं राजेश जी और मेरी माता का देहांत 16 फरवरी को हो गया, लेकिन मैं बलराम सिंह यादव का बेटा हूँ, और उनके 40 वर्षों के संघर्ष में मैंने जो सामाजिक कुरीति के खिलाफ लड़ाई को सीखा हूँ और लड़ा भी हूँ। मैं 5वीं बार यहाँ से चुनाव जीता हूँ, 3 बार मुखिया हूँ, 2 बार पैक्स अध्यक्ष हूँ, और कम्युनिस्ट पार्टी के विचारधारा के मजबूत करने की लड़ाई मैंने नज़दीक से देखा है। और हमारे राज्य सेक्रेटरी है रामपरी जी, हमारे साथी लोग बैठे हुए हैं, आज दर्जनों यहाँ सामाजिक कुरीति के खिलाफ हाट बाजार मेला लगा हुआ है। ये बड़ी सी मंदिर है, राज्य सेक्रेटरी के द्वारा एक बार कहा गया था कि बलराम जी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, मंदिर कैसे बन गया, लेकिन लोगों को जब पता चला कि हमारा धर्मशाला है, हम यहाँ शोषित दलित पिछड़े गरीबों को बैठा कर उनको अध्यात्म से दूर हटाकर अपने कर्मों का, अपने संवैधानिक बातों को नज़र में देकर लड़ाई लड़ते हैं, तो उस बात की आगाज़ आज मैंने पुस्तकालय के रूप में किया है। मैंने सैकड़ों ऐसे लोगों का, महापुरुषों की जीवनी यहाँ रखा है, जहाँ आज के बच्चे दूर हो रहे थे, मोबाइल और यूट्यूब से जुड़कर अपनी शिक्षा नीति को कमज़ोर कर रहे थे। मैं समझता हूँ मेरी माता की आत्मा के शांति के लिए इससे बड़ा कदम दूसरा कोई नहीं हो सकता। मैंने माता जी को दाह संस्कार के दिन लगभग 5,000 व्यक्ति आए थे, निश्चित रूप से मेरी माता के और मेरे कर्मों, मेरे बलराम सिंह यादव और मेरे परिवार के संघर्ष के प्रति लोगों की आस्था और विश्वास रही है। लोगों ने उस दिन ही मुझे कम्युनिस्ट नेता होने के नाते संकल्पित किया कि राजेश जी आपको ये मजबूत कदम उठाना
पड़ेगा, लेकिन आप समझ रहे हैं कि आज के डेट में पंचायत प्रतिनिधि होना कितना मुश्किल सा बात है। मैंने इस बात को फेस किया तीन रूप में। जब हम आम आवाम के लोगों की बैठक बुलाता था तो वहाँ एज ए कम्युनिस्ट मैं संकल्पित था, हूँ और रहूँगा एक मुखिया के रूप में, और परिवार के मुखिया भी आज हूँ मैं। तो उस रूप में मुझे अलग अलग निर्णय लेने पड़े हैं। काफ़ी एक सप्ताह मतलब बीमार रही माँ, वहाँ उतना मैं चिंतित नहीं था। जिस दिन माँ का दाह संस्कार हो रहा था उस दिन भी बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं था, लेकिन उसके एक सप्ताह जो मेरा गुजरा है, भाई निराला जी और हमारे युवा साथी हमारे साथ हैं, मेरा शरीर का 30% ब्लड घट गया। इतना प्रताड़ित मुझे किया गया, इतना अपमानित किया गया, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि सामाजिक कुरीति के खिलाफ संघर्ष का ऐलान किया हूँ। जिंदगी का आधा उम्र कट गया है, जो भी उम्र बचा हुआ है, एक एक क्षण, एक एक पल और एक एक सांस मेरा सामाजिक कुरीति के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ूंगा और इस विचारधारा को मजबूती से आगे ले जाऊंगा। मेरी माता के देहावसान के बाद लगभग एक दो दर्जन प्रतिनिधि ये प्रस्ताव उठाए। राजेश भैया बोलिए, माता का भोजन कीजिएगा तो क्या ऐसे। तो मैंने ये पुस्तकालय का और आप लोगों के आशीर्वाद से अब सफल हुआ हूँ। 31 मार्च तक में एक अच्छी एम्बुलेंस इस हॉस्पिटल को उपलब्ध होगा, जो सरकार अभी नहीं दे पाई है। मैं यहाँ के गरीब हूँ, मैं मरते हुए परसों देखा एक मुस्लिम परिवार से बच्चे थे, पानी पी लिया था, जब हल्ला करते रह गया। मैं भी कई लोगों को फ़ोन किया, एम्बुलेंस 3000 रुपया उस परिवार को नहीं था, डोमी जी का, तो वो वहाँ नहीं पहुँच पाया और बच्चे रास्ते में मर गया। मैं उस दिन और शपथ लिया कि 31 मार्च से पहले मैं एक अच्छा एम्बुलेंस यहाँ दूँगा। मृत्यु भोज एक अभिशाप है, इस बात को गांव-गांव में कहते थे और आज ये वाक्य चरितार्थ हो रहा है। यहाँ इस पल के हम लोग गवाह हैं और इसके केंद्र बिंदु में आदरणीय मुखिया जी हैं और इनकी माँ वास्तव में वीर थी, जिन्होंने ऐसे वीर को पैदा किया। मुझे फक्र है कि इस तरह के वीर विहीन धरती कभी नहीं हुआ है और ये पुस्तकालय इस क्षेत्र को मिला है। हम लोग गरज कर कर रहे हैं, गगन झुका दूंगा और आप लोगों का सहयोग सानिध्य मिलता रहे, साथ मिलता रहे, एक नया इतिहास बनाऊंगा, जो इतिहास सामाजिक कुरीति के खिलाफ और ब्राह्मणवाद, सामंतवाद, पूंजीवाद के खिलाफ और जो सामंतिया पुलिसिया जुर्म है, इसके खिलाफ हम लोगों ने लड़ाई का शंखनाद किया है। आदरणीय ललन चौधरी जी और सर जैसे तमाम समाजविद लोग जो सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, उनकी लड़ाई लड़ते हैं, उन लोगों से हम अपील करना चाहते हैं, आप लोग अपना ख्याल, आप लोग अपना दया दृष्टि रखिए। हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं और इस समाज को मृत्यु भोज रूपी जो अभिशाप है, इस अभिशाप से हम लोग मुक्त करा करके ही सांस लेंगे, ऐसा आज प्रण कर रहे हैं। और हम लोग मृत्यु भोज खाना 5 वर्ष पहले ही हम लोगों ने संकल्प ले लिया है और इस संकल्प के साथ हैं। जब तक जिंदगी रहेगा हम लोगों का मकसद साफ है, इस मकसद के साथ है, मृत्यु भोज ना खाना है ना ही खिलाना है। आज आप तमाम लोगों से भी हम प्रश्न करना चाहेंगे, आप हमारे मिशन में आए हैं क्या? हमारा जो मिशन है मृत्यु भोज नहीं खाने खिलाने का, आप लोग भी साथ हैं? साथ हैं, साथ हैं। इसी आशा विश्वास के साथ आपको विश्वास दिलाते हैं, ये पुस्तकालय ज्ञान का भंडार है। रीडिंग ए गुड बुक मीन्स मीटिंग अ गुड फ्रेंड, दैट मोमेंट यू फिनिश द बुक दैट मीन्स यू लॉस्ट द बेस्ट फ्रेंड। और ये लाइब्रेरी अछोर पुस्तकालय का भंडार है, इसमें तमाम तरह की अध्यात्म से लेकर के विज्ञान, राजनीति, अर्थशास्त्र, तमाम मेडिकल साइंस, तमाम बहुजन साहित्य भी यहाँ पर अवेलेबल है। आप लोग आकर के, हम आग्रह करेंगे क्षेत्र के लोगों से, आप आइए, आपको सामाजिक कुरीति को छोड़कर एक परिवर्तन के दिशा में हम लोगों ने कदम बढ़ाया है, इस कदम को मजबूत बनाइए। हमारे जो हमारा जो मिशन है, इस मिशन के कारवां के सिपाही हम लोग बने। एक मिनट, हमारी जिला परिषद सदस्य पूनम जी जो यहाँ तक लाने में हमको काफ़ी मदद की है, पूनम जी। नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। आज लाखों देवी माता जी, संतोष जी, ये श्रद्धांजलि सभा में राजेश मुखिया जी की माता जी के ये श्रद्धांजलि में आज बहुत ही एक अच्छी पहल, एक आगे बढ़ाने के, समाज को आगे बढ़ाने के लिए ये समाज में पुस्तकालय का निर्माण किया गया, पुस्तकालय यहाँ रखा गया। आज ये हमारे समाज के लिए एक बहुत अच्छी पहल है। अगर हमारे समाज के हर एक एक लोग अगर इस तरह से आगे बढ़ाएंगे, मृत्यु भोज बंद करके अपने समाज में एक अच्छा, जैसे पुस्तकालय हुआ, कुछ एम्बुलेंस ऐसे वैसे अगर बात रखेंगे और समाज के लिए कुछ देंगे, तो हमारे समाज का, क्षेत्र का और पंचायत का भी विकास होगा। और हम लोग को इसके साथ चलना चाहिए और मृत्यु भोज बंद होना चाहिए, कुप्रथा है, इसको बंद करना चाहिए। उद्घाटनकर्ता हमारे कॉमरेड गुलाल सलाम एवं सभी को प्रणाम।
नमस्कार छोटे बच्चे को स्नेह, ये मिलन भोज में कुछ नहीं, मैं उनका आदर करती हूँ। ये शुरुआत कोरियापट्टी पूर्व मुखिया जी राजेश कुमार के द्वारा है हुआ है, इसके लिए भी मैं काफी मतलब अंदर से उत्साह हमको है कि ये कोरियापट्टी के द्वारा हुआ है। कोरियापट्टी के द्वारा कॉमरेड बलराम सिंह यादव के द्वारा ही बहुत सा ऐसा काम हुआ है जिनको कि मतलब कहीं नहीं हुआ है, वो काम कॉमरेड बलराम सिंह यादव किए हैं। ये जो मृत्यु भोज है एक बहुत बड़ा ही समाज के लिए अभिशाप है, इसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी कुछ दिनों से हम लोग को जो मिला है प्रताड़ित हुए हैं, हम ये भी नहीं कहते कि क्यों हुए हैं, जो हम लोग का मनसा पहले से बना हुआ उसको तोड़ने के लिए, बेड़िया को तोड़ने के लिए हम लोग को समय मिले, और समय जो लगा उसमें हम लोग ये है कि एक न एक दिन हम लोग इसमें कामयाब होंगे। एक ये भी है कि हम होंगे कामयाब एक दिन, तो जरूर है कि ये मिशन हम लोग का कामयाब होगा। हमारी माता लाखों देवी वीरांगनाएं थी जो इन राजेश कुमार जैसे पुत्र को जन्म दिया, और हम पुत्र वधु नीतू कुमारी आए हैं जिसमें हमें माता का फील नहीं हुआ था, इसके लिए मैं उनका आदर सम्मान करती हूँ। मैं इसी के साथ अपना एक मिनट।